जाते हैं मेरे फैन फॉलोअर हैं वो साहब देख ले अपनी आंखों से कि मेरे साथ क्या हुआ है कि सच बोलने की उस मजा ने ये की वो अगले सब साथ ये भी बताओ ना कि शगन कैसे किया है रेडियो के साथ कपड़ों में सब कैसे किया अभी पीछे भी है और फिर ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने मीडिया टॉक की तो ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और ये सात कागजों पे दो कागजों पे मुझे साइन कराए हुए हैं सर कपड़े पहन के बात कर और एक साथ कागज पे उन्होंने मुझे सेंड कराए और वीडियो बयान लिया कि एक पुल उतरता है कहानियाँ से डूंगर रोड की तरफ वो पुल उतर के सात बनोरियाँ था वो मैंने गौर सदर हमने देखा उसके बाद मुझे कुछ नजर नहीं आया वो एक गहरे में मिले वहाँ जाकर मेरे अभी बैठे हैं हम तो ऊपर से आठ नौ दस लोग गन्ने लेकर निकाब पहुँचते और छः छः फुट मिलते बात थे किसी का सर छः किसी का छः कदम थे और जवान थे काफ़ी और एक तो जो है ना बिल्कुल दाढ़ी रखी हुई थी और नीचे से थोड़ी सी नज़र आ गई जिसने मुझे आकर फौरन गन तानी उसने यही लफ्ज़ बोला है कि आप जल्दी पकड़े था तो मेरे ड्राइवर को दूसरे कमरे में ले गए जो मेरे साथ आदमी था उसको तीसरे में और जिसने होटल में हमें खाना खिलाया वो भी साथ था उसको बाहर निकाला कि तेरे साथ भी करते तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि भाई आप मुझे मारे मत कहते आपको मारना है मैंने कहा भाई मेरे भाई छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे अल्लाह कितनी बड़ी ज़िंदगी बख्श दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले आप अपने एडमिट से रब्ता करें वो पासवर्ड दें नाम नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल जो है उसका पासवर्ड वो मैंने फिर नंबर मैंने कभी मेरे मोबाइल आपके पास है तो फिर मेरे से उन्होंने पासवर्ड लिए नंबर मेरे सेटों के और दोनों से नंबर निकलवाए जो मेरे ये इमरान साहब थे इधर कैमरा मैन और अदनान भाई इनके साथ फ़ोन पे बात कराते थे मेरे नंबर से और जो जो पासवर्ड पूछते जाते थे मैं उनको पूछता था ये बताते नहीं थे मगर इन्होंने जब मैंने कहा कि यार मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद इन्होंने मेरे पर शब्द किया है तो संदेह सो अभी तक मैंने कुछ खाया सोया भी जिसमें इतना मेरा दर्द कर रहा और उन्होंने लफ्ज ये बोला कि अगर आपने इधर कुछ किया या फ़ोन पे या किसी को फ़ोन तो मेरे उन्होंने रीसेट भी कर लिया और उधर ही जा कर लिया और ना किसी मैं सुबह मैंने आकर एक चुबुर्जी से पहली सिम जो है ना ऑन कराई दूसरी उन्होंने बोला कि वो आठ घंटे बाद ना कर जो करता है वो अभी ब्लॉक की हुई मैंने नहीं निकलवा तो उसके बाद मैं इधर आया हूँ तो उन्होंने बोला कि अगर आपने ये कोई भी मीडिया पर बात की तो आपकी ये जो वीडियो दुनिया भरना पड़ रही है ये भी हम अपलोड करेंगे और आपको शूट भी करेंगे लाहौर में भी हमारे बहुत सोर्सेज हैं तो आप ये जो इस तरह की स्पीच करते हैं आपको अवामी इशू पर बहुत ज़्यादा बोलना आता है आप बच्चों को सुझाते हैं ये मोबाइल यूज़ ना करो ये कोरोना वायरस
कोरोना पे मेरा वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, तो मैंने बोला कि जितने भी क्लिप है मैं तो वाणी जी पर बोलता हूँ, मेरा पूछते हैं आपको कौन फॉलो करता है, क्योंकि देखो आज से किसी तक नहीं चल रहा कोई मेरा रिलेशन नहीं, मेरी डायरी उन्होंने पकड़ ली, डायरी में जो मेरे जैसे होते रोजाना वही मेरी कम है, वही मैं जो है ना सफ़र करता हूँ। तो इसके बाद मैं झूठी खबरें मेरे चैनल पे, जो मेरा चैनल उन्होंने मेरे पास से पासवर्ड लिए उस पर एक खबर चला दी कि मीडिया कहाँ खामोश है, और न्यूज़ की ना काफ़ी कर कर मेरे चैनल पे वो लगाई कि कहाँ मीडिया खामोश है, नासिर मदनी को कोरोना वायरस हो गया और वो बोल क्यों नहीं रही, बता क्यों नहीं रही, और वही मेरे चैनल पे चला दी और मुझे फ़ोन आने, मेरा फ़ोन बंद था। तो जो ही मैं जो है ना अपना नया मोबाइल लिया तो मुझे पाले आना शुरू हो गया, फैसलाबाद में जो है ना मैं अपना जो घर बना रहा हूँ दूसरा, तो उधर मैं गया हूँ तो उधर सिर्फ मैं अपने फैमिली को बताया कि सब हो गया, वो मोबाइल मैं लेकर पाले सारे रास्ते सुनते आया हूँ और मैंने अपने वाले साहब से कर ली, जिंदगी का मुझे पता नहीं है क्या होना है, मगर मैं अपने चाहने वालों को जो मुझे चाहते हैं मेरे फैन फॉलोअर हैं वो सब देख लें अपनी आंखों से कि मेरे साथ क्या हुआ है, कि सच बोलने की मुझे ये की बहुत अभी पीछे भी है अगर आपने मीडिया कॉल की तो ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं साहब और ये सात सात कागजों पे दो कागजों पे मुझे साइन कराए हुए हैं सर, कपड़े पहन के बात करें जी। और एक सादा कागज पे उन्होंने मुझे सेंड कराया और वीडियो बयान लिया कि